नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक नया व्यंजन। आज मैं आपको मिन्नी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक कहानी को सुनेंगे और जानेंगे कि हम किस व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करें। मिन्नी एक बहुत प्यारी और थोड़ी सी मोटी लड़की थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मैं अपने मामा के मकान पर जाना चाहती हूँ। माँ ने उसे वहाँ जाने की आज्ञा दे दी। मामा मामी का मकान महल के जैसा बहुत बड़ा था। उसके सामने एक बहुत बड़ा हरा भरा मैदान भी था। मिन्नी को देखकर मामा मामी बहुत खुश हुए। वे उसे घुमाने झील के पास ले गए। झील के किनारे पर बहुत सुंदर मोर भी नाच रहे थे। उस झील में बहुत सारी मछलियाँ थीं और झील के पास खूब सारे मेंढक टर्रा रहे थे और एक बड़ा सा मगरमच्छ भी था। मछलियाँ देखकर मिन्नी बहुत खुश हुई। फिर वे मकान पर वापस आ गए। शाम को मामा मामी के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। मामी ने उन सब के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई। मामी ने मिन्नी की पसंद के मोती चूर के लड्डू भी बनाए, जिसे खाकर मिन्नी बहुत खुश हुई। प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी को सुना। अब आप मुझे बताएंगे आपने कौन कौन से नए शब्द सीखे, हमने कौन सा व्यंजन किया। हमने व्यंजन म से बनने वाले शब्दों का प्रयोग किया। मिन्नी, मोटी, मामा, मामी, मकान, मोर, मगरमच्छ, मेंढक, मछलियाँ, मिठाइयाँ, मोती चूर के लड्डू। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप भी व्यंजन मा से बनने वाले शब्द खोजेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।